हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने के चांसेस है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट यहाँ पर दिया हुआ है, दिस पेपर इज डिवाइडेड इंटू सेक्शंस ए बी सी एंड डी। ये पेपर आपको चार सेक्शन में डिवाइड किया गया, ए बी और सी में। दूसरा दिया हुआ है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। सेक्शन ए दिया हुआ है रीडिंग का, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों, ये पैसेज दी हुई है, एजुकेशन इज नॉट एन एंड। ये पूरी पैसेज आपको दोस्तों अच्छे से रीड कर लेनी है। जब आप ये पैसेज अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम पड़ जाएंगे। पैसेज से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेने हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज एम ऑफ एजुकेशन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन एजुकेशन सिस्टम। तीसरा दिया हुआ क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब शुड वी डू। चौथा दिया हुआ क्वेश्चन, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स ए वर्क। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट्स दैट मीन, एम और स्कीम का आपको मीनिंग बतानी है। जब आप ये वाली पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद सेक्शन बी दिया हुआ राइटिंग का, सेक्शन बी में दिया हुआ दूसरा नंबर, यू वर इन्वॉल्व्ड इन ए रोड एक्सीडेंट, राइट ए रिपोर्ट गिविंग डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट, ए बस हिट ए टोंगा, प्यूपिल इंजोर्ड, वन डेड, ट्रैफिक जाम इंजोर्ड, वर टेकन टू हॉस्पिटल। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ, द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन्स हैज ब्रॉट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन द लिव्स ऑफ पीपल, इफ यूज्ड प्रॉपरली इट कैन बी ए ब्लेसिंग बट इट मिसयूज्ड इट कैन बी प्रूव्ड ए कर्स, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। पहला दिया हुआ है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, दूसरा दिया हुआ है कोविड-19, तीसरा दिया हुआ है द ब्लेसिंग ऑफ साइंस। तो इन तीनों में से आपको किसी एक टॉपिक पर एसे लिख लेना है अच्छे से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकलिटी। अथवा में दिया हुआ, लास्ट वीक यू बॉट एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फ्रॉम गणेश त्रिमूर्ति स्टोर्स वाराणसी। मैं बताऊंगी आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीड, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है उसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फ्लो आपको 16 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, इन दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आपको स्क्रीन पर दिया गया NSP001 है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ यू फाइंड दैट मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्टी एंड इज मेकिंग एन अनबियरेबल नॉइज, राइट ए लेटर टू द डीलर कंप्लेनिंग अबाउट द सेम एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज द वॉशिंग मशीन एट द एयरलिस्ट। तो इन दोनों में से आपको किसी एक टॉपिक पर अच्छे से लेटर लिख लेना है। फिर इसके बाद सेक्शन सी दिया हुआ ग्रामर पोर्शन से। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिंक मिल जाएगी, वहाँ से दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे वो भी अपनी हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 में का ए दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो इन दोनों में से आपको एक किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना। पहला दिया हुआ, ही सेड टू मी, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। दूसरा दिया हुआ है, द टीचर सेड टू द बॉय, डू नॉट अब्यूज एनीवन। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन दिया बी नंबर, कंबाइन द फॉलोइंग एज
डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। पहला दिया रवि फाउंड हिज पेन ही वाज लॉस्ट, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। दूसरा दिया हुआ टाइगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वाज ए ग्रेटेस्ट, ही वाज ए ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल, इसको भी आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। फिर इसके बाद तीसरी नंबर दिया हुआ क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट्स। पहला दिया हुआ है ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनी वन, इसको आपको रिमार्क टू में चेंज करना है। दूसरा दिया हुआ एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड, इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। फिर इसके बाद सी डी नंबर दिया हुआ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही इज जूनियर देन मी, दूसरा दिया हुआ पीपल्स ऑफ माई विलेज आर होनेस्ट, तो आपको दोनों सेंटेंस करेक्ट कर लेने हैं। तीस ई नंबर दिया हुआ है यूज द गिवन आइडियम्स एंड फ्रेजेज इन योर सेंटेंस, क्राई फॉर द मून, एड फ्यूल टू फायर, हरकुलेन टास्क, तो आपको इसमें आइडियम और फ्रेजेज लिखनी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, बैटल और डेस्टिनेशन, आपको सिनोनिम्स लिखनी है दोनों के। नेक्स्ट दिया हुआ गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, करेजियस और फॉरेगन। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन सब्सटीट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, पहला दिया हुआ ए ट्रेवलर इन स्पेस, दूसरा दिया हुआ है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट दिया हुआ यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग क्लियरली, कैरियर या करियर, मोरल मोरेल, दोनों में से आपको वन इसमें दिया हुआ है मीनिंग लिखनी है दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर छठवां, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये ट्रांसलेट आपको करना है इंग्लिश में। ये दोस्तों ट्रांसलेट दिया हुआ है, इसमें जुलाई का महीना था, अत्यधिक गर्मी और घुटन थी, मैं स्कूल के लिए चल पड़ा, अचानक आकाश में बादल छा गए, शीतल हवा चलने लगी, सूरज घने बादलों में छिप गया, बादल गरजे और बिजली चमकने लगी, झमाझम पानी बरसने लगा, सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा, छोटे बच्चे बरसात का आनंद ले रहे थे, एक घंटे बाद बारिश रुकी, मैं पूरी तरह भीग गया था। जब मैं स्कूल पहुंचा तो पता चला कि प्रधानाचार्य महोदय ने वर्षा दिवस की घोषणा कर दी है, तो ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेक्शन डी यहाँ पर दिया हुआ लिटरेचर का, क्वेश्चन नंबर सातवां दिया हुआ आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर 150 वर्ड्स में देना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां दिया हुआ आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, तो ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीन क्वेश्चन में से आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर नौवां दिया हुआ रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ये दोस्तों दिया हुआ इसको आपको स्टेंजा अच्छे से रीड कर लेना है। फिर इसके बाद तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जब आप स्टेंजा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर इसी स्टेंजा से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दसवां दिया हुआ राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स, तो इन दोनों में से आपको किसी एक पोइम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से देना है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, तीन में से आपको दो क्वेश्चन के आंसर अच्छे से देने हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है, और आप लोग हमें को ये भी बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।